बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? दुआ करती हूँ अल्लाह पाक आप लोगों को हमेशा खुश रखे, आमीन। जी तो आज हमारे किचन में बन रहा है आलू पालक गोश्त, साथ ही मैंने थोड़ी सी मेथी भी ले ली, जो खाने में बहुत मज़ेदार लगता है। हम मीट के साथ अगर वेजिटेबल को भी साथ मिला के पकाएँ तो बहुत अच्छा लगता है और हेल्थ के हिसाब से भी बहुत हेल्पफुल रहता है। जी तो यहाँ मैंने गोश्त ले लिया है तकरीबन आधा किलो, और यहाँ आधा किलो मैंने पालक लिए, दो मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं, साथ ही बहुत छोटी सी एक प्याज ली है, उसे बारीक कट कर ली है, और साथ ही मैंने यहाँ गार्लिक के तीन चार जवे लिए, उसे बारीक स्लाइस में कट कर लिया है, तीन से चार साबुत लाल मिर्च है, चार दरमियाने साइज़ के टमाटर हैं जिसे हमने चॉप कर लिया है, और हल्दी पाउडर लिए यहाँ हाफ टी स्पून, सॉल्ट लिया है हमने हाफ टी स्पून, क्योंकि पालक में भी सॉल्ट होता है इसलिए हमें सॉल्ट देख के डालना पड़ेगा ना, इसलिए हमने हाफ टी स्पून लिया। सफ़ेद ज़ीरा लिया है हमने हाफ टी स्पून, और यहाँ पिसा हुआ गरम मसाला लिया है हमने हाफ टी स्पून, पिसा हुआ धनिया लिया है हमने वन टी स्पून। अच्छा, यहाँ हमने चिल्ली फ्लेक्स भी लिए और यहाँ हमने चिल्ली पाउडर भी लिए, चिल्ली फ्लेक्स लिए हाफ़ टी स्पून और चिल्ली पाउडर लिया है वन टी स्पून, और वन टी स्पून ही ले लिया है हमने जिंजर गार्लिक पेस्ट, और कुकिंग के लिए हमने लिया है यहाँ रिफाइंड ऑयल। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। जी तो यहाँ पर ऑयल गर्म हो गया है, पहले हम इसमें डालेंगे लहसुन जो हमने कट करके रखा था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पालक की आप कोई भी सब्ज़ी बनाएं, अगर आप दो चार स्लाइस इस तरह कट करके डालेंगे ना, इससे बहुत अच्छा अरोमा आता है हमारे सालन में, इसलिए मैंने डाली है इसको, और साथ ही साबुत चार लाल मिर्च, इसको थोड़ा सा हम फ्राई कर लेते हैं, फिर प्याज ऐड कर देंगे इसमें। जी तो अब प्याज ऐड कर देते हैं, प्याज बहुत कम डलता है इसमें। इसे हम गोल्डन फ्राई कर लेते हैं। जी तो यहाँ पर देखें प्याज लाइट गोल्डन हो रही है, यहीं पर हम इसमें शामिल कर देंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और साथ ही ऐड कर देंगे इसमें गोश्त, यहाँ मैंने हड्डी वाला गोश्त लिया है, और थोड़ा रवाज भी है, ये बहुत अच्छे इसका टेस्ट आता है रवाज के साथ। तो यहाँ हमने दो से तीन मिनट गोश्त को भून लिया है, साथ ही अब इसमें ऐड कर देंगे टमाटर जो हमने कट करके रखे थे। अच्छा, इसमें टमाटर आप थोड़ा ज़्यादा डालिएगा, क्योंकि टमाटर से बहुत अच्छा टेस्ट आता है पालक गोश्त पर। साथ ही ऐड कर देंगे इसमें हम सारे स्पाइसेस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथ ही पिसा हुआ धनिया से इसे मिक्स कर लेते। ऐड कर देंगे नमक, और यहाँ हम आधा गिलास पानी डालकर इसको गलने के लिए रख देंगे, ताकि गोश्त अच्छे से गल जाए तकरीबन 30 से 40 मिनट तक के। जी तो यहाँ पर अब हमने एक गिलास पानी इसमें शामिल कर दिया है, अब इसको हम कवर करके तकरीबन 30 से 40 मिनट तक के लो फ्लेम पर पकाएंगे, ताकि गोश्त अच्छे से गल जाए। तो यहाँ पर 30 से 35 मिनट हो गए हैं, चले अब हम देखते हैं, और यहाँ पानी सारा खुश्क हो गया है, इसे अच्छी तरह हम भून लेते हैं। जी तो यहाँ सालन अच्छे से भून गया है, अब हम इसमें कर देते हैं आलू पालक और मेथी को शामिल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें पानी बिल्कुल शामिल मत कीजिएगा, क्योंकि प्याज पालक का अपना ही पानी होता है, उसी में आलू भी गल जाएंगे और पालक भी गल जाएगा। जी तो यहाँ हमने आलू पालक और मेथी इसमें शामिल कर दिया है, अब हम कवर करके इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट पका लेंगे, ताकि आलू और पालक दोनों अच्छे से गल जाए। तो यहाँ 15 से 20 मिनट हो गए हैं, और आलू को चेक कर लेते हैं कि आलू गल गए हैं। जी हाँ, आलू अच्छे से गल गए हैं।
हल्का सा हम इसे भून लेते हैं। जी तो यहाँ पर अच्छे से हमने भून लिया है और यहाँ हमारा सालन बिल्कुल रेडी है। अब हम इसका फ्लेम ऑफ कर देते हैं। चलिए मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए पालक में कभी भी पानी मत डालिएगा। पालक का अपना पानी होता है, उससे आप कोई भी सब्जी डालेंगी वो गल जाएगी। जी तो ये थी हमारी आज की रेसिपी आलू पालक गोश्त। उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।